फाइनली गाइस, हमारी डेस्टिनेशन और हमारा ड्रीम पूरा हो चुका है। तो शायद हम लोग पहले होंगे जो आज इतनी मॉर्निंग और इतना ठंड में चंद्रशिला का ट्रैक करने वाले हैं। पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई थी और हम लोगों के पास पानी भी नहीं था, तो इतने सुबह काफी टाइम बाद उठ रहे हैं, तो देखते हैं कैसा होता है। मॉर्निंग में जो वाइब आ रही है ना, बहुत ही अल्ट। चार लोग नहीं है हमारे साथ, तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो देख सकते हो अभी भी टाइम हो रहा है 4:15। तो इतने जल्दी उठने का रीजन आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी जाने वाले हैं चोपता के टॉप पे, मतलब चंद्रशिला। तो इतनी सुबह उठ चुके हैं, तो अभी होते हैं रेडी, फटाफट से ब्रश व्रश करते हैं। और दिक्षु भाई, अंकुर भाई, सबकी नींद हमने आराम कर रखी है। और हमारे यहाँ देखो खतरनाक, ये लोग तो हो गए हैं फ्रेश अप। और देखे देख रहे टावल, देखो देसी टावल, देखो हमारा ये हमारा देसी टावल। और सबसे पहले उठने वाला है हमारे संजू भाई। दीक्षु भाई, दीक्षु भाई कहाँ हो आप अभी? केदारनाथ। केदारनाथ चल रहे हैं दीक्षु भाई? केदारनाथ चल रहे हैं, ठीक है। तो इतने सुबह काफी टाइम बाद उठ रहे हैं, तो देखते हैं कैसा होता है। सारे लोग तो हो चुके हैं रेडी, तो दीक्षु कैसा लग रहा है सुबह उठ के आज? बहुत बढ़िया। तो चलना केदारनाथ यहीं से जी। और अंकुर भाई नींद आ गई थी? नींद बहुत बढ़िया आई, बहुत तगड़ी वाली। और संजू भाई का तो क्या बोलना, चलो बढ़िया है। तो उठ तो गए थे, बट भाई मुंह धोने की ताकत नहीं है, ठंडा इतना और खाना पानी का क्या बताएं। दीक्षु भाई ने तो पता नहीं कैसे धो दिया, लेकिन दीक्षु भाई की खास बात लगी, उन्होंने एक इमरजेंसी किट रखा हुआ है, बहुत ही सही परफ्यूम। मतलब भाई यहाँ लोग यहाँ लोग कपड़े लेके आते हैं, दीक्षु भाई यहाँ परफ्यूम लेके आ रखे भाई, खतरनाक। तो परफ्यूम कहाँ है परफ्यूम लाओ, परफ्यूम लाओ। चलो कोई नहीं, चलते चलेगा। तो चाय मिलेगी तो चाय पियेंगे। गाइस देखो बाहर का लोकेशन, ये है मॉर्निंग 4 बजे का, बिल्कुल एकदम से ठंडा, बॉडी पूरी -1-2 चल रही होगी यहाँ पे। और हम इस ठंड में चल रहे हैं चंद्रशिला, ये हमारा फर्स्ट टाइम टास्क होगा मॉर्निंग 4 o'clock वाला। शायद से मुश्किल ही कोई सुबह चंद्रशिला गया होगा। तो गाइस ये है लोकेशन, पूरा अंधेरा अंधेरा, और ये भी हम लोगों ने टॉर्च लगा रखा है। तो पहले गाड़ी को करते हैं कोल्ड स्टार्ट। लगभग टेम्परेचर भाई 1 degree Celsius होगा। ओहो ये देखिएगा, गाड़ी तो अभी कोल्ड स्टार्ट हो रही है। और हॉर्नेट को भी हम लोग थोड़ा कोल्ड स्टार्ट करेंगे पहले। यह है लोकेशन गाइस, लोकेशन देखो पूरा, जहाँ तक देखो अंधेरा ही अंधेरा। भाई संजू भाई ने लाइट वाइट तो जला रखी है। आज की राइड को करते हैं शुरू इतने मॉर्निंग से, तो ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रहा है यार, बहुत ही तगड़ा वाला। और सर एक छोटी सी दिक्कत आ गई है कि जो हॉर्नेट की मेन लाइट है वो जल नहीं रही है, तो साथ साथ ही उसको भी हमको लाइट देते हुए चलना पड़ेगा। और इस समय देखेगा समझ सकते हो आप लोग क्या फीलिंग आ रही होगी हमें, 4 लोग और ये अंधेरा रास्ता। ओहो ब्लैक आइस इस समय दिख भी नहीं रही है। बोले बाबा तुंगनाथ जी आपकी शरण में आ रहे हैं आज इतने सुबह, ये भी एक छोटा सा कष्ट है भगवान। दोस्तों संजू भाई बोल रहे कि इतनी मॉर्निंग में इस टाइम पे कोई भी नहीं गया होगा, तो शायद हम लोग पहले होंगे जो आज इतनी मॉर्निंग और इतना ठंड में चंद्रशिला का ट्रैक करने वाले हैं। मेन का जो गेट है ये देखिए, पहुंच चुके हैं हम लोग। और कुत्ते लोग भी भाई पागल हो गए हैं कि इतने सुबह सुबह आज कौन आ गया। तो करते हैं अपनी यात्रा की शुरुआत। जय तुंगनाथ माता दी की। सुबह के 4 बजे आज इस ट्रैक को शुरू कर रहे हैं। और सबके हालात देखो बहुत ही तगड़ी। दीक्षु भाई
ठंडे से हालत बेकार हो गए। अंकुर भाई तो ठीक है क्योंकि अंकुर भाई पिलियन पे बैठे हुए थे और हमारे लाइट मैन बहुत ही खतरनाक। तो चलते हैं, तभी ये देखो भाई, ये है हमारे वो सुरक्षा कवच, गाइड दो आगे से, ठीक है, और दो आगे से चल रहे हैं। छोटा भी ये देखो भाई, और मॉर्निंग 4:30 बजे तुंगनाथ बाबा के लिए। सुनसान जगह पे आज हम सिर्फ 4 लोग हैं और अभी तक हम लोगों का आधा ट्रैक हो गया है और जो हालत खराब हो रही है ना भाई, बहुत ही ज्यादा हो रही है क्योंकि ब्लैक आइस है और ऊपर से भी ट्रेल भी बनी नहीं हुई है तो बहुत ही दिक्कत हो रही है। अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा है, बट हम लाइट वाइट की व्यवस्था के साथ अभी तक ठीक चल रहे हैं। और अभी हम सिर्फ 4 लोग नहीं है, हमारे साथ 4 डॉगी भी हैं, तो लगभग इस ट्रैक पे आज 8 लोग मतलब 8 जीव जंतु चलने वाले हैं। और भाई बहुत ही अच्छी बात है कि 4 जानवर आज हमारे साथ हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि कुत्ते इतने वफादार क्यों होते। तो देख सकते हो आप, एक अभी यहाँ पे है और 3 अभी पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, बट भाई मतलब इन 4 की वफादारी हैंड्स ऑफ। तो अभी हम लोगों ने छोटा सा एक ब्रेक लिया था, पानी वानी की जरूरत पड़ गई थी, तो पानी तो ऐसा ठंडा है बट क्या करें, पीना तो है एनर्जी के लिए। तो अभी लगभग यहाँ से 1.5 या 2 किलोमीटर और होगा, धीरे धीरे सुबह भी हो रही है, तो उस व्यू को आज देखने के लिए हम 4 तैयार हैं। तो निकलते हैं यहाँ पे से भी और मिलते हैं अब डायरेक्ट आपको मंदिर के पास में। फाइनली गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं वर्ल्डेस्ट हाईएस्ट शिव टेंपल। तो मेरे पीछे देख सकते हो भगवान तुंगनाथ जी, और इतने मॉर्निंग में जो वाइब आ रही है ना, बहुत ही अल्टीमेट आ रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतनी मॉर्निंग हम लोग पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे सनराइज हो रहा है। बट उससे पहले मैं आपको एक लोकेशन दिखाता हूँ। तो गाइज लोकेशन देखिए, लुक एट दिस। तो गाइज ये देखिए, ये पूरे बर्फ से ढके हुए माउंटेन, बहुत ही अल्टीमेट लोकेशन है यार। तो जहाँ तक आपकी नजर जा सकते हैं ना, सब में एक एक टेम्पल जरूर है, तो बहुत ही मस्त लग रहा है। और अभी हम लोगों का ट्रैक कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ से अभी हम लोग को जाना है चंद्रशिला। थोड़ा सा लेट हो गया है बट कोई नहीं, हम लोग सनराइज जरूर देखेंगे वहाँ पे और आप लोगों को भी सनराइज दिखाएंगे। बट अभी भगवान तुंगनाथ जी सबकी रक्षा करे। तो लुक एट दिस गाइस, ये है चंद्रशिला का ट्रैक और बर्फ देखिए बहुत ही तगड़ी है, और रास्ता भी भाई दिखने रहा, ट्रेल जो है उसी पे हम लोग चलेंगे और जहाँ तक नज़र जा सकती है भाई, खूबसूरती ही खूबसूरती। तो हम लोगों ने भगवान तुंगनाथ जी से चढ़ाई शुरू कर ली है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा चंद्रशिला। तो जल्द ही सनराइज चंद्रशिला के साथ, और शायद जो मेरा ड्रीम था ना वो आज पूरा होने वाला है कि वर्ल्ड हाईएस्ट शिव टेम्पल से सनराइज देखना। बहुत लोगों की इच्छा होती है पर पूरा करना बहुत ही टफ है गाइस, क्योंकि आप ऐसे यहाँ पे नहीं आ सकते हो, वो भी विंटर्स टाइम पे, क्योंकि रास्ता इतना तगड़ा है ना कि भाई मैं बता नहीं सकता हूँ, लगभग 4-4, 5-5 फीट बर्फ़ है और उसमें चलना बहुत ही टफ। मतलब जो हम ट्रैक लगभग समर्स टाइम में 1-1.5 घंटे में कर लेते हैं, उसे आज हमको लग रहा है 2-2.5 घंटा, तो बहुत ही टफ है। और संजू भाई देखो पहुँच गए हैं वहाँ, तो धीरे धीरे अब हम लोग भी बढ़ते हैं आगे। तो गाइस टाइम हो चुका है 6:31, तो हम लोगों ने जिस हिसाब से फ़ोन पे देखा था कि सनराइज होता है 6:31 पे, तो देख सकते हो आप मेरे पीछे सनराइज हो चुका है और पीछे वाला पहाड़ है ना उस पर जो पहली सनलाइट पड़ रही है ना, बहुत ही मस्त जो चमक रहा है ना, एकदम बर्फ का पहाड़, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम लोग भी पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर, लगभग यहाँ पे से 10-15 मिनट का रास्ता है चंद्रशिला। तो हमारे पहुँचने तक वहाँ पर भी धूप आ जाएगी, तो जो व्यू दिखेगा ना वो मतलब स्वर्ग है, मतलब आप सोच सकते हो ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अल्टीमेट, मतलब कोई शब्द है ही नहीं मेरे पास इस जगह के लिए। तो जिस विंटर लाइन की मैं बात करता हूँ, देखो आप ठीक सामने आप लोगों को दिख रही होगी हल्की हल्की, ये है विंटर लाइन। और ये सिर्फ कुछ ही जगह से दिखाई देती है जितना मेरे को नॉलेज है, एक स्विट्जरलैंड से, एक मसूरी से, और कुछ पार्ट इसका इस जगह से भी दिखाई देता, तो बहुत ही अल्टीमेट। तो चलते हैं हम लोग ऊपर और सबसे टॉप वाली जगह से आपको भी इस जगह की खूबसूरती दिखाएंगे।
तो फाइनली गाइस हमारी डेस्टिनेशन और हमारा ड्रीम पूरा हो चुका है। तो वर्ल्ड हाईएस्ट शिव टेंपल पर पहुंच चुके हैं और जो ये लोकेशन देख रहे हो आप, ये है चंद्रशिला और आज का सनराइज चंद्रशिला पे। तो पीछे देख सकते हो गाइस आप, क्या प्यारे प्यारे खूबसूरत से नज़ारे दिख रहे होंगे आप लोगों को। और जस्ट पीछे वाले पहाड़ पे आप लोग देख सकते हो यार, इसकी शैडो बन रही है, जो देख रहे हो आप तो शैडो बन रही है, तो समझ सकते हो सबसे हाईएस्ट जगह की शैडो बनती है। और चारों तरफ देखेगा गाइस, चारों तरफ जहाँ तक देख सकते हो आप लोग, पूरा सुकून, बहुत ही अल्टीमेट जगह गाइस, बहुत ही अल्टीमेट, दिल खुश हो गया है इतनी अच्छी जगह पे आके यार। और ये है सूर्यदेव जी, संजू भाई और मैं, इस लोकेशन पे सिर्फ हम तीन लोग और भोलेनाथ, बस ऐसे ही रखना आप अपनी कृपा। और हमारे साथ के जो दीक्षु भाई है और अंकुर भाई है, वो लोग तुंगनाथ में रुक रहे हैं, उनका ऊपर आने की बस की हो नहीं पा रही है, तो हमने कहा वहीं पे रुक जाओ, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो हम लोग भी थोड़ा दर्शन करते हैं यहाँ पे और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें कैप्चर करते हैं। हरे ओम स्वस्तिन इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्तिन पोखा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओघधेखुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोररागम। तो आप लोगों को कैसे लगे ड्रोन शॉट चंद्रशिला के, तो कमेंट में बताएं। लेकिन यार वहाँ पे हम लोगों की एक दिक्कत हो गई थी, पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई थी और हम लोगों के पास पानी भी नहीं था, जो हमारी बॉटल्स थी हमारे दीक्षु भाई और अंकुर भाई के पास थी और जो लोग तुंगनाथ में हैं। तो हम लोगों ने कैसे ना कैसे करके तुंगनाथ पहुँच गए हैं। और भाई आप लोग जब भी आएँ तो अपने साथ पानी की बॉटल ज़रूर रखें। और देख सकते हो बहुत लोग अब आ रहे हैं, तो हमारे साथ की जो चार डॉग है वो हमारी रक्षा कर रहे हैं अभी। तो अभी हम लोग भगवान तुंगनाथ जी के दर्शन करते हैं, तो कर लेते हैं भगवान तुंगनाथ जी के दर्शन। तो कर लेते दीक्षु भाई दर्शन, अंकुर भाई बिल्कुल आया मज़ा आज बहुत मज़ा। तो भाई मज़े करते हैं और दर्शन भी करते हैं। तो दोस्तों मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग आए हैं एक लोकेशन पर जहाँ पर फोटो शोटो क्लिक करनी है। तो आप लोगों को बता दूँ ये लोकेशन बहुत लोगों की फेवरेटेबल है, जो लोग भी तुंगनाथ आए होंगे, क्योंकि यहाँ से सारा व्यू पॉइंट दिखता है और ऑलमोस्ट सारे गांव दिखते हैं, कहीं तक भी देखो आप। और अब हमारे पीछे चल रहा है अभी संजू भाई लोगों का डांस चल रहा था, थोड़ा बहुत डांस वांस भी करते हैं भोले की शरण में आए हैं, तो थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जब भी आए ना यहाँ पे, तो यार अपने साथ पानी की बॉटल रखें और हो सके तो चाय की बॉटल भी, क्योंकि यहाँ पे आजकल कुछ भी खुला हुआ नहीं है तो बहुत ही दिक्कत हो रही है। और आँखों पे अब सूरज भी चमकने लग गया और ऊपर से बर्फ़ में तो बहुत दिक्कत होता है शूट करने में। तो फटाफट कर लेते हैं डांस। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रूम पे और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, लगभग 11:30 बजे हम लोगों ने रिटर्न कर दिया था। और ट्रैक भी बहुत ही मस्त था आप लोगों ने जिस हिसाब से देखा, और जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे थे तो थोड़ा बहुत ब्लैक आइस जमी, तो उस वजह से थोड़ा ग्रिप नहीं पकड़ पा रहे थे, तो एक दो जगह पे हमारे दीक्षु भाई फिसल गए थे। तो ऐसा कोई नहीं चलेगा, तो ऐसा कोई नहीं चल जाता है ना दीक्षु भाई, पहुँच गए सही सलामत। और लेकिन अंकुर भाई की थोड़ा हालत ख़राब हो गई है यार, अंकुर भाई नींद पूरी नहीं हो पा रही है ना। और हमारे मुंशी जी तो ठीक थे टकाटक, जगह पे हम लोग रुके हैं ये हमारे रोमोलॉजी का, और व्यवस्था और सर्विसेज बहुत ही अच्छी है, तो थैंक यू रोमोलॉजी, आप तो जरूर देख रहे होंगे इस ब्लॉग का आई नो। और बहुत ही अच्छी सर्विसेज है, मज़ा आया जितनी भी सर्विस मिली, तो नेक्स्ट टाइम जल्दी आपसे मिलते हैं। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड बी सेफ। मैं गोपेश्वर दा भी बंदा जिवे आके आया आके, बिना बनाया ना कमाया ना नी गवाया, तेनू मेरी गल्ला सारी सोनी क्यों नी लगदी है, तू लगे प्यारी।